हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाला। स्टूडेंट, उम्मीद है आज का पेपर आज सभी का बढ़िया हुआ होगा। जिस भी स्टूडेंट के कुछ कनेक्शन में एरर आ रहा है, कुछ लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो उन स्टूडेंट से मैं एडवाइस दूंगा कि आप अपने कॉलेज जा कर के एक ईमेल सेंड करवा दें, फॉरवर्ड करवा दें बीटी यूपी के लिए, जिससे कि आपका या तो एग्ज़ाम नेक्स्ट डे हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको डेट मिल जाएगी, या आपको उस एग्ज़ाम में प्रमोशन मिल जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ न कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको। तो आज कल का आपको एग्ज़ाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो मैं आपके लिए दो सैंपल वीडियो पहले ही मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में लिंक शेयर कर चुका हूँ, जो कि पहले भी डाल चुका हूँ, दो वीडियो सैंपल पेपर की। और ये एक और वीडियो है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे आप आसानी से ध्यानपूर्वक देख लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को परेशानी आती है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इज द करेक्ट आंसर। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल एंड वाटर सोल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड आल्सो बाय अमोनिया साल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। जो थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो उसकी प्रॉपर्टी है इट इज सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन एल्कोहल। इसकी प्रॉपर्टी है ये सोल्यूबल है वाटर में और इनसोल्यूबल है एल्कोहल में। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है लेकिन इनसोल्यूबल है एल्कोहल में। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जो सोडियम थायोसल्फेट है उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप, इट इज सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन एल्कोहल। क्या इनसोल्यूबल है ये? एल्कोहल के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टी है इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो उसकी प्रॉपर्टी है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड विद स्लाइटली एसिडिक टेस्ट। ये क्या होता है? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, क्या होता है ये? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड विद स्लाइटली एसिडिक टेस्ट। और इसका टेस्ट कैसा होता है? एसिडिक। उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, जो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड विद स्लाइटली एसिडिक टेस्ट होता है इसका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी है इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल एंड वाटर सोल्युबिलिटी इट इंक्रीज बाई प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड आल्सो बाई अमोनिया साल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। ये एल्कोहल और वाटर के अंदर क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। एंड वाटर सोल्युबिलिटी इट इंक्रीज, इसकी वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, पढ़ाई जा सकती है। प्रेजेंस ऑफ CO2, इसके अंदर CO2 को प्रेजेंट कर दिया जाए एंड आल्सो बाई अमोनियम साल्ट, और अमोनियम साल्ट भी, तो इसकी सोल्युबिलिटी को
बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसकी प्रॉपर्टी कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। आज के एग्जाम में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था मेरे को, सर मेरे को जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, वीडियो से आप उसको 15 क्वेश्चन मिले थे फिफ्ट के अंदर, 15 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए हार्ड वर्क करता रहूँ और जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलती रहे। तो वीडियो को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जो प्रॉपर्टी है सोडियम थायोसल्फेट की, सोडियम थायोसल्फेट की प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज ए कूल एंड बिटर टेस्ट। क्या है जी? इट हैज ए कूल एंड बिटर टेस्ट। इसका क्या है? इट हैज ए कूल एंड बिटर टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट हैज ए कूल एंड बिटर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉमनली नोन एज लॉफिंग गैस एंड नाइट्रस, और इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज केमिकल कंपाउंड, ये क्या है? केमिकल कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके नाइट्रस ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज कॉमनली नोन एज लॉफिंग गैस और नाइट्रस, इट इज केमिकल कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अटैक मेटल्स फॉर फॉर्मिंग देयर हाइड्रोक्लोराइड एंड द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्या करता है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अटैक करता है मेटल फॉर्मिंग देयर हाइड्रोक्लोराइड, एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी है, अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये स्लैटरी हाइग्रोस्कोपिक होता है, स्लैटरी हाइग्रोस्कोपिक होता है, सोल्यूबल इन वाटर एंड स्प्रिंगली सोल्यूबल इन एल्कोहल बट फ्रीली सोल्यूबल इन ग्लिसरीन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट की प्रॉपर्टी क्या है? सोडियम थायोसल्फेट की प्रॉपर्टी है, इट हैज ए कूलिंग एंड बिटर टेस्ट। क्या करता है ये? इसका ये कूलिंग एंड बिटर टेस्ट है इसका। क्या है इसका जो प्रॉपर्टी है? इट हैज ए कूलिंग एंड बिटर टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी है सोडियम थायोसल्फेट की, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, इट इज द कूलिंग एंड बिटर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के यूजेज क्या हैं? तो स्टूडेंट अब मैं आपको बता दूं कि कल के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल कंपाउंड दिए गए हैं उनकी क्या है, उनकी प्रॉपर्टी एंड उसके यूजेज के बारे में आपको फोकस करना है। जितनी ज़्यादा आप यूजेज एंड उसकी प्रॉपर्टी याद करेंगे, उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको यूजेज एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है, यूजेज हैं, यूजेज क्या हैं इसके? एज ए एंटीडोट इन द फास्फोरस एंड साइनाइड पॉइजनिंग, ये एंटीडोट इन फास्फोरस एंड साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, इसके यूजेज क्या है? एज एन एंटीडोट, एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है इन फास्फोरस एंड साइनाइड पॉइजनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूजेज क्या हैं? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके यूजेज क्या हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूजेज हैं, तो इट इज एन इंग्रेडिएंट इन सम स्किन लोशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस में यूज किया जाता है? स्किन लोशन में यूज किया जाता है, सम स्किन लोशन में
यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इंग्रेडिएंट है इस सम स्किन लोशन के अंदर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजेज ऑफ बोरिक एसिड, जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड के यूज क्या है। तो बोरिक एसिड का यूज है, इट इज यूज टू मेंटेन एसिडिक पीएच इन वेरियस टॉपिकल मेडिकेशंस। ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है एसिडिक पीएच को इन वेरियस टॉपिकल मेडिकेशंस के अंदर, ये पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बोरिक एसिड का यूज है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जो सोडियम थायोसल्फेट है उसके यूज क्या है, सोडियम थायोसल्फेट के यूज किया क्या है। तो यूज है सोडियम थायोसल्फेट के यूज है, इट इज ए इफेक्टिव एंटी फंगल एंड यूज इन स्किन इन्फेक्शन सच एज डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस में यूज किया जाता है, इसके यूज है जो सोडियम थायोसल्फेट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसके यूज क्या है। तो इसका यूज है, इट इज प्रोड्यूस एनेस्थेसिया विद एनल्जेसिया में यूज किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर, और जो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या यूज होता है, इट प्रोड्यूस एनेस्थेसिया विद एनाल्जेसिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ फेरस सल्फेट, FeSO4, पर फेरस सल्फेट का यूज क्या है। तो फेरस सल्फेट के यूज है, इट इज यूज एज ए हेमेंटेनिक एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एनेमिया, ट्रीटमेंट ऑफ एनेमिया एंड यूज ऑफ हेमेंटिक, और हेमेंटिक की तरह यूज किया जाता है, और इसके ये ट्रीटमेंट ऑफ एनेमिया, एनेमिया के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है फेरस सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज है, इट इज ऑल्सो यूज एज ए सोलवेंट इन न्यूमरस इंडस्ट्रीज, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है, इट इज ऑल्सो यूज इन सोलोवेंट इन द न्यूमरस इंडस्ट्रीज के अंदर इसका सोलोवेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के यूज क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के यूज क्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितने ज्यादा आप यूज एंड प्रॉपर्टी याद कर लेंगे उतने ज्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको बहुत सारे यूजेज मिल जाएंगे जो आपके कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो इससे आपको जितने भी केमिकल कंपाउंड है उन सभी के ये एक बार एक नज़र में आप उनके प्रॉपर्टीज एंड यूजेज को देख लें। मैंने ज्यादा से ज्यादा केमिकल कंपाउंड जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेज को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड रह भी गए तो उनको आप एक बार बुक से देख लेना। तो यूज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसका यूज क्या है, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल एनवायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट का यूज क्या है। तो सोडियम नाइट्राइट का यूज क्या है, इट इज यूज एन इफेक्टिव एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। तो सोडियम नाइट्राइट का यूज किसमें किया जाता है, साइनाइड पॉइजनिंग के एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। तो इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, ये सभी क्या है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव। तो इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, पोटेशियम मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, ये सभी क्या है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन ऐसे आता है, ऑल ऑफ एबव आता है, तो आपको ऑल ऑफ एबव पे टिक करना है, तो ऑल ऑफ एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के कौन 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 से होते हैं? क्लोराइड, सोडियम एंड कैल्शियम और बाइकार्बोनेट्स। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ एबव। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से आपको इन चारों को याद करना है। तो इसीलिए मैंने एक ऑप्शन यहाँ से एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया, ये ऑल ऑफ एबव। तो आपको देखने के लिए ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ एबव। ये सभी क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन। जो ऑफिशियल कंपाउंड है आयरन के, वो कौन कौन से हैं? तो फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट एंड फेरस फ्यूमरेट। तो ये सभी क्या है? ऑफिशियल कंपाउंड है आयरन के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ एबव। ये सभी क्या है? ऑफिशियल कंपाउंड है आयरन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। जो एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल का क्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। और ये ऊपर जो चारों दिए गए हैं, वो सभी क्या है? इसके एप्लीकेशन है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के। रेडियो थेरेपी, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, रिसर्च एप्लीकेशन, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। और ये सभी क्या है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ एबव। उम्मीद है स्टूडेंट वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ, जिससे सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।